Beyblade, Beyblade, let it rip. Fight me, ab shuru kare battle, ab spin kare. Dar ko tu bhul ja, ab aage tu badh ja. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Dikha de kitna hai dam, tu kisi se nahi kam. Tu paan sa ban ja, aandhi ban ke. मुझे मिस्टर जिंका को ढूंढना होगा अभी। WBBA हेडक्वार्टर तो बंद है। तुम वहाँ नहीं जाने वाले बच्चे। यो, तुम कौन हो? सॉरी बच्चे, अफसोस कि तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है। मैंने पूछा कौन हो तुम और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? लंबी कहानी है। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, सब भाग जाते हैं। बुरा हुआ कि तुम हार गए है ना। मुझे मिस्टर चिंका को जल्द से जल्द बताना होगा जो भी मुझे पता है। तुम कब तक मुझसे भागते रहोगे? अब जाओ पेगासस। जाओ सैजिटेरियो। हार मत मानना सैजिटेरियो। जाओ लियोन। नहीं छोड़ूंगा, तुम चिढ़ के मारूंगा। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी कुछ हुआ है। हाँ, एक बेब्लेड जो खुद ही अपना रूप बदले, क्या लगता है मडोका, ऐसा कुछ मुमकिन भी है क्या? मुझे पता है कि इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और सच बात तो ये है कि नया पेगासस और लियोन वहाँ नीचे बैटल भी कर रहे हैं। तो फिर ठीक है, क्या तुम उनके बारे में कुछ और पता लगा पाई हो? पता है इन दोनों बेब्लेड्स में जो एक चीज कॉमन है वो ये है कि फ्यूजन व्हील एक कोर और एक फ्रेम में बट चुका है। उनकी पोजीशन रीअरेंज करके मोड्स को बदलना आसान होगा। फ्यूजन व्हील के फ्रेम को उल्टा अटैच करने की वजह से लियोन अब स्टैंडर्ड डिफेंस मोड से काउंटर मोड में स्विच कर सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी लियोन पेगासस से पावर के मामले में बिल्कुल भी नहीं हारा और इसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो है काउंटर मोड। तो ये लियोन को एक अटैक टाइप बनाता है। जाओ से खत्म कर दो लियोन। और पेगासस के मामले में ये बिल्कुल अलग है। उसका फ्यूजन व्हील तीन लेयर से बदल चुका है। फ्यूजन व्हील को स्लाइड करने से ये अलग अलग मोड्स में बदल सकता है। क्या कहा तुमने, तीन लेयर? क्या बात है, ये तो कमाल का बेब्लेड है। जी हाँ सर, लेकिन नए पेगासस में एक नया और बहुत खास फीचर भी है। अरे वाह, देखो तो जरा, महान पेगासस का स्टैमिना कम होता जा रहा है। जाओ सैजिटेरियो। उसकी परफॉर्मेंस टिप, जब उसकी स्पिन पावर कम होती है तो सेमी फ्लैट परफॉर्मेंस टिप फिर से शुरू हो जाती है और उसका रबर वाला पार्ट स्टेडियम को छूता है। वो रबर से स्टेडियम को टक्कर मारकर स्पिन पावर का एक और धमाका करता है। सच में लाजवाब है। हाँ। मुझे लगता है कि ये सब तो ठीक है, पर तुम्हें क्या लगता है कि लियोन और पेगासस ने इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आखिर क्यों किया होगा? हाँ।
लोग कब तक मुझसे इसी तरह टेस्ट बैटल्स करवाते रहोगे? हाँ, ऐसे छोटे मोटे मुकाबले करने से मैं और लियोन कमजोर पड़ जाएंगे। हम अपना बेस्ट कर रहे हैं। तुम और जिंगा शायद उस दिन से बेबलेट बैटल कर रहे थे, पर तुम दोनों ने मिस्टी आइलैंड की हालत बिगाड़ दी है। तुम्हें नहीं लगता कि ये जानना तुम दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वहाँ पर हुए नुकसान की असली वजह क्या है? कियोया, लियोन के ट्रांसफॉर्म होने से पहले क्या तुमने कुछ भी अजीब सा होता हुआ महसूस किया था? भले ही ऐसा कुछ जो ना के बराबर हो, अगर तुम्हें कुछ भी याद है तो हमें बताओ प्लीज। हाँ, मुझे कैसे पता होगा? हाँ, अब तुमने इस बारे में पूछा है तो क्या तुम्हें कुछ याद है? शायद, मेरा मतलब मुझे नहीं पता कि ये इतना इम्पोर्टेंट भी है या नहीं, पर कुछ भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। बताओ हमें क्या हुआ। मुझे लगता है ये शायद परसों रात की बात है। हाँ, तभी की बात है। हम उस दिन वुल्फ कैनियन में थे और कियोया जिंगा से होने वाले मुकाबले की तैयारी कर रहा था। जाओ लियो, तुम भी जाओ। ये तो बहुत ही बढ़िया मूव था कियोया मेरे भाई। अब तो जिंगा भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। सही कहा ना मेरे भाई? हाँ, वो चमकती हुई चीज क्या है? आ, बचाओ। ओ तेरी, वो एक सेकंड में खत्म हो गया और वो इतना अजीब था कि मुझे लगा कि जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हो ना? वो बहुत ही अजीब था। क्या कहा, एक रोशनी जो आसमान से गिरी? ये परसों रात की बात है ना? क्या ये वही है जो मैंने देखा था? हाँ? क्या कहा, पेगासस भी? ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है ना? मुझे नहीं लगता कि ये इत्तेफाक है। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंगा और मेरा हिसाब अब भी बाकी है। अगर तुम मुझे जिंगा से मुकाबला नहीं करने दोगे तो मुझे नहीं लगता मेरा यहाँ और रुकने का कोई मतलब बचा है। हा? मैं जा रहा हूँ। hey, रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। कियोया, कियोया, मेरे लिए रुको। इस सब का क्या मतलब है डायरेक्टर? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इसका क्या मतलब हो सकता है। मुझे कोई मतलब नहीं कि ये सब कैसे हुआ। मेरा लियोन अब सबसे ताकतवर बेबलेट बनकर वापस आया है। हाँ, लियोन अब नए फैंग्स के साथ फैंग लियोन बन गया है। एक बार मैं इन फैंग्स को पॉलिश कर लूं, फिर जिंगा मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगा। हम उसे हरा सकते हैं, फैंग लियोन। हाँ? बहुत बुरा हुआ ना छोटे दोस्त, ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि मैं बिल्ली जितना ही जिद्दी हूँ। बिल्ली कहीं गए? मेरी तुमसे कोई खास दुश्मनी नहीं है, ये तो बस मेरा काम है। मेरे बारे में बुरा मत सोचना। शायद मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम्हारा नाम कियोया है ना? प्लीज मेरी मदद करो। हे दोस्त, क्या तुम मुझसे लड़ोगे? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या? तुम भी एक ब्लेडर हो, है ना? तो तुम्हें अपना बेब्लेड मुकाबला खुद ही लड़ना चाहिए। कम ऑन। म्याओ। मुझे खुशी हुई कि वो समझदार ब्लेडर निकला। तो अब तुम तैयार हो जाओ। और ये लो। Let it rip! क्या? क्या क्या सच में तुम ही हो? क्या तुम ठीक हो? मैं इस जोकर को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बैटल पहले ही खत्म हो चुकी थी, अब इससे ज्यादा कुछ करना बाकी है क्या? हा? ये तुम हो? तुम जिंगा हो? मैं आपको जानता हूँ मिस्टर जिंगा। क्या कमाल का बेब्लेड है। सारा मजा किरकिरा कर दिया, अब मैं चलता हूँ। वो तो गायब हो गया। आखिर वो था कौन? तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। क्या तुम ठीक हो? आपकी वजह से मुझे पता था कि आप एक दिन लेजेंडरी ब्लेडर बनेंगे मिस्टर जिंगा।
हाँ? लेजेंडरी ब्लेडर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे अपनी ताकत दो स्टार फ्रैगमेंट की मदद से। स्टार फ्रैगमेंट? हाँ, इससे पहले कि वो नेमेसिस के हाथ में आ जाए, जल्दी करो। हे, अरे नहीं, उठ जाओ बच्चे, उठ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? युकी मिजुसावा। वाह, बहुत ही अच्छा नाम है। मैंने आज से पहले तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा, तुम कहाँ से आए हो? हाँ बताओ। और तुमने जिंगा से उसकी ताकत क्यों मांगी? हाँ, और ये लेजेंडरी ब्लेडर क्या है? वो बात ये है कि हे, सब शांत हो जाओ, अगर तुम सब लोग एक साथ सवाल पूछोगे तो वो जवाब कैसे देगा? हाँ ठीक है, आपने सही कहा डैड, सॉरी। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो युकी, पहले ये बताओ कि तुम स्टार फ्रैगमेंट के बारे में कैसे जानते हो? वो बहुत समय पहले आसमान से एक तारा गिरा था। कई सदियों पहले उस स्टार फ्रैगमेंट से बने टॉप्स अपना शेप बदलकर आज के बेब्लेड्स बने। हे, ये तो कोमा विलेज की एक पुरानी कहानी है। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? मैं बहुत छोटा था और मैं बचपन से अपने दादाजी से यही कहानी सुनकर बड़ा हुआ हूँ। तुम्हारे दादाजी से? इसका मतलब है कि तुम्हारे दादाजी का गांव जरूर कोमा विलेज ही होगा। हा? दादाजी मुझे अक्सर एक पहाड़ पर ले जाते थे जहाँ हम तारों से भरा आसमान देखते थे, और वो मुझसे बस एक ही बात कहते थे। जब एक चकाचांद रोशनी आसमान से इस धरती को रोशन करेगी, एक नया स्टार फ्रैगमेंट आएगा और एक बड़ी ताकत को जगाएगा। एक स्टार फ्रैगमेंट दादाजी? ये एक और कहानी है जो कोमा विलेज में बताई जाती है। हमारे पूर्वज जिन्हें वो स्टार फ्रैगमेंट मिला था, उनका ये मानना था कि बहुत बहुत लंबे समय के बाद स्वर्ग से एक नया स्टार फ्रैगमेंट एक बार फिर आएगा। जब एक चकाचांद रोशनी से धरती चमकेगी ऊपर स्वर्ग से, इस बात का असली मतलब आखिर क्या है? जितना सोच रहे हैं शायद समय उससे पास आ गया है। क्या मुझे भी उस नए स्टार फ्रैगमेंट को देखने का मौका मिलेगा? जरूर, अगर तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है तो। ये नया स्टार फ्रैगमेंट इस धरती पर आखिर कब गिरेगा? इस सवाल को मैं अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल पाया। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से मैंने यूनिवर्स का एक नया टाइमलाइन बनाया जो ये कैलकुलेट करता है कि स्टार फ्रैगमेंट इस धरती पर कब आएगा। हमारे यूनिवर्स का टाइमलाइन? वाह क्या बात है। उस टाइमलाइन को बनाने का सबसे जरूरी रेफरेंस मुझे मिला प्राचीन मायन सभ्यता से। क्या इसने मायन कहा? वो एक प्राचीन सभ्यता थी जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी से कैलेंडर्स का एक सिस्टम बनाया था। बहुत पहले लोग समय के बहाव को तारों की मूवमेंट से कैलकुलेट करते थे जो कि असल में रात में चमकते थे। और उससे ये पता चला कि उनमें से एक कैलेंडर में मेरे वाले तारे के आने की भविष्यवाणी थी। हाँ? अजीब बात तो ये है कि दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं में ऐसे बहुत से लेजेंड्स के बारे में लिखा है जो कोमा विलेज के लेजेंड से बहुत मेल खाता है। सुना है कि मायन लोगों ने जो कैलेंडर छोड़ा है वो उन्हीं लेजेंड्स का है। क्या बात कर रहे हो, वो इतना पुराना है क्या? तब भी बेब्लेड का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत ज्यादा। मुझे यकीन है कि जो मीटियर मुझे मिला है वो एक नया स्टार फ्रैगमेंट है, और दादाजी ने जिस रोशनी के बारे में बताया था वो आखिरकार आ गई है, और मुझे पूरा यकीन है कि दादाजी इसी बारे में बात कर रहे थे। स्वर्ग से गिरती हुई एक रोशनी जब इस दुनिया को चमकाएगी, वो स्पाइरल फोर्स का ही धमाका था जो जिंका ने स्पेस में छोड़ा था। अरे हाँ, शायद वही वो स्वर्ग की रोशनी थी। मैंने क्या किया? और उसके बाद वो स्टार फ्रैगमेंट सच में इस धरती पर आया। क्या नया स्टार फ्रैगमेंट आ चुका है? तुम्हारा मतलब वो सच में यहाँ पर है? ऑसम। प्रॉब्लम ये है, उस फ्रैगमेंट की पावर जिसके भी हाथ में जाएगी वो अच्छे या बुरे दोनों में से किसी काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। अंधेरा और उजाला एक ही सिक्के के दो पहलू है, जहाँ भी उजाला रहेगा वहाँ अंधेरा आ सकता है। तो ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है कि एक नई रोशनी अंधेरे का टनल बन जाए। क्या कहा? ये कोमा विलेज के बताई गई कहानी की आगे की बात है। हमारे पूर्वज जो अपने पीछे ये सब शब्द छोड़ गए, उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी भी की थी कि नए स्टार फ्रैगमेंट के यहाँ आने के साथ साथ एक बुरी ताकत का भी यहाँ आना मुमकिन है। ये सच है, दादाजी को सबसे ज्यादा इसी बात का डर था।
क्या ये बेब्लेड्स के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी या फिर ये एक इशारा होगा गड़बड़ी और नफरत से भरे एक नए वक्त का? सुनो योकी, अगर ऐसा वक्त कभी आता भी है तो वो स्टार फ्रेगमेंट किसी बुरी शक्ति के हाथ नहीं लगना चाहिए। जब वक्त आएगा तुम्हें आगे बढ़कर इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनकी बुरी ताकत कभी कामयाब ना हो पाए, समझ गए ना? दादाजी को जरूर किसी बुरी शक्ति के होने का एहसास हो गया होगा जो स्टार फ्रेगमेंट को ढूंढते हुए आएंगे। नहीं, सिर्फ उन्हें नहीं, स्टार फ्रेगमेंट को खुद भी यह एहसास हो गया होगा। क्या फ्रेगमेंट को एहसास हुआ होगा? हाँ, और इसलिए जिस दिन स्टार फ्रेगमेंट धरती पर आने वाला था, वो रोशनी के बहुत सारे टुकड़ों में बट गया और पूरी दुनिया में फैल गया। विश्वास ही नहीं हो रहा है, स्टार फ्रेगमेंट की अपनी खुद की भी मर्जी है। और उनमें से एक रोशनी ऑब्जर्वेटरी में मुझ पर आकर गिरी थी और उस रोशनी के अंदर मैंने स्टार फ्रेगमेंट की आवाज सुनी। उसकी आवाज? तो तुम कह रहे हो कि स्टार फ्रेगमेंट में तुमसे बात की? मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा। अजीब तस्वीरें मेरे दिमाग में आ रही थी, जैसे वो मुझसे बात कर रही थी। वो एहसास था बुराई का, वो ब्लैक सन, वो नेमेसिस है। ब्लेड वॉरियर्स, लेजेंडरी ब्लेडर्स। एक बुरी ताकत है, वो स्टार फ्रेगमेंट की ताकत पर कब्जा कर लेगी। उसका एक ही मकसद है, ब्लैक सन को वापस लाना, तबाही का देवता नेमेसिस। द ब्लैक सन? हाँ, क्या तुमने नेमेसिस कहा? ब्लैक सन इस दुनिया में हमेशा के लिए अंधेरा कर देगा। नेमेसिस को फिर से जिंदा होने से रोकना होगा। मिस्टर जिंका, प्लीज मुझे अपनी ताकत दे दो। एक सेकंड रुको जरा। क्या कहा तुमने? स्टार फ्रेगमेंट और नेमेसिस की आवाज सुनी? मुझे लगता है तुम शायद सपना देख रहे होगे, तुम्हें नहीं लगता? आखिर ये ग्रेट ईविल है क्या दोस्तों? मुझे पता है कि यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन माइन कैलेंडर में वो दिन भी लिखा हुआ है जिस दिन दुनिया का खात्मा हो जाएगा। अरे हाँ, उस दिन के बारे में तो मैंने भी सुना है। वो दिन तो बहुत जल्दी आने वाला है ना? हाँ, मायन कैलेंडर में इस दुनिया के खत्म होने का जो दिन लिखा है वो अब हमसे ज्यादा दूर नहीं है। मुझे लगता है कि उसी दिन नेमेसिस भी जिंदा होगा। हाँ, वो एक ग्रेट ईविल ही है, इसलिए शायद स्टार फ्रेगमेंट ने अपनी पावर को कई टुकड़ों में बांटा ताकि इस दुनिया का फ्यूचर उन लोगों के हाथ में आ जाए जो है लेजेंडरी ब्लेडर्स। द लेजेंडरी ब्लेडर्स? ये वो ब्लेडर्स हैं जिन्हें फ्रेगमेंट की ताकत का एक हिस्सा मिला है उस स्टार फ्रेगमेंट के टुकड़ों से। और लेजेंडरी ब्लेडर्स हैं 10। दुश्मन भी उन लेजेंडरी ब्लेडर्स को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है और वो उस ताकत को अपने मतलब के लिए पाना चाहता है। हमें ऐसा होने से हर हाल में रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सच है कि जैसा मैंने सोचा था, मिस्टर जिंका एक लेजेंडरी ब्लेडर है। स्टार फ्रेगमेंट ने जिन्हें चुना है आप उनमें से एक वॉरियर हो। मेरी एक रिक्वेस्ट है, नेमेसिस को फिर से जिंदा होने से रोकने के लिए प्लीज मुझे अपनी ताकत दे दो। मुझे इस बात पर यकीन करना चाहिए कि मैं एक लेजेंडरी ब्लेडर हूँ, क्योंकि तुम कह रहे हो। सही कहा, वो रोशनी, मुझे लगा था कि वो बस मेरा वहम है। उस वक्त शायद न्यू स्टार फ्रेगमेंट की पावर पेगासस में चली गई होगी। तो ऐसा लियोन के साथ भी हुआ? लियोन? हाँ सही कहा, इयोया के बेवरेट लियोन को भी वो रोशनी मिली थी जो आसमान से गिरी थी। और लियोन का भी फिर से जन्म हुआ। इसका मतलब कि इयोया भी लेजेंडरी ब्लेडर्स में से एक है। ओ, अब मैं समझा। उस स्टार फ्रेगमेंट की पावर जो दोनों के बेब्लेड्स में आई, वो उनके बेब्लेड स्पिरिट की वजह से बढ़ गई होगी, जिससे जिंगा और कियोया के बेब्लेड ट्रांसफॉर्म हो गए। कियोया? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या? वो बहुत जिद्दी है। ओ अच्छा, तो ऐसा हुआ था, बेब्लेड वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारी जोरदार बैटल हुई थी और स्पेस में बड़ा धमाका तुम्हें यहाँ ले आया। ठीक है, तो आज से तुम्हारा नाम होगा कॉस्मिक पेगासस। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, कॉस्मिक पेगासस। hey, अगर वो स्टार फ्रेगमेंट की ताकत मेरे सजिटेरियो में भी हुई तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी जिंगा की तरह एक लेजेंडरी ब्लेडर बन सकता हूँ? हाँ बोलो। मेरा भी यही सवाल है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है।
अगर स्टार फ्रेगमेंट तुम्हारी बेबलेट स्पिरिट से जुड़ जाए तो तुम सबके बेबलेट्स भी पक्का ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। क्या बात है, मेरा दोस्त कियोया और मैं साथ में लेजेंडरी ब्लेडर्स बनने वाले हैं। लेकिन कोई है जो मुझे तुम्हें ये सब बताने से रोकना चाहता था? मुझे डर है कि इसका एक ही मतलब है, जिस ग्रेट इविल के बारे में मैंने बताया वो नेमेसिस को जिंदा करने का अपना काम शुरू कर चुका है। हमें अभी निकलना होगा। तुम्हारा मतलब मियाओ करने वाला वो ब्लेडर? हाँ, हमें जल्द से जल्द बाकी लेजेंडरी ब्लेडर्स को ढूंढना होगा और नेमेसिस को वापस आने से रोकना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ यूकी। ये मिस्टर जिंका, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नेमेसिस का फिर से जिंदा होना और 10 लेजेंडरी ब्लेडर्स। लगता है अब हम लोगों को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। हमें बाकी 8 को भी ढूंढना होगा। जिंका मेरे बेटे, तुम और तुम्हारे दोस्त पूरी जान लगा दो और बाकी लेजेंडरी ब्लेडर्स को ढूंढ निकालो, चाहे वो जहाँ भी हो। 8 और ढूंढने हैं। लेजेंडरी ब्लेडर्स सुनने में अच्छा लग रहा है। ये लो, तुम बहुत प्यारी हो। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? इसमें बहुत मजा आने वाला है।